हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार, स्वागत है जावेद खान ऑटो व्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। दोस्तों, इस चैनल पे मिलती है आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई, साथ में मिलते हैं आपको कुछ नई कार के वॉक अराउंड वीडियो, साथ में मिलते हैं कुछ एसेसरीज के वॉक अराउंड वीडियो। तो दोस्तों, वही लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज हम वॉक अराउंड वीडियो लेके हाजिर हैं मारुति की न्यूली लॉन्च यानी कि नया मॉडल वेगनार में जो अवेलेबल है यानी कि VXI मॉडल का एक वॉक अराउंड वीडियो, साथ में कुछ एसेसरीज इसमें कस्टमाइज की गई है शोरूम की तरफ से और इसको बनाया गया है काफी स्टाइलिश इस कार को। तो पूरा डिटेल में जानेंगे क्या क्या एसेसरीज इसके अंदर फिट की गई है और इस मॉडल के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं और कितना प्राइस इस मॉडल का रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गाड़ी की चाबी के साथ में। तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके की चाबियां इस कार के अंदर अवेलेबल होती है, यानी कि गाड़ी देख सकते हैं आप, चाबी के दोनों चाबी के अंदर आपको मिल जाते हैं इसमें लॉक अनलॉक के फंक्शन। हालांकि इससे पहले आपको सिर्फ वेगनार के LXI मॉडल में ही CNG अवेलेबल होती थी, बट मार्केट की डिमांड को देखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी और भी कंपटीटर कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट काफी सारे CNG में अवेलेबल हैं, उसी को देखते हुए मारुति ने LXI के साथ साथ अब VXI में CNG अवेलेबल कराने का डिसीजन लिया। और काफी सारे कस्टमर की डिमांड भी रहती थी कि मारुति का बेस मॉडल ना हो के किसी टॉप एंड वेरिएंट में अगर CNG अवेलेबल हो, तो बस मारुति ने वही शुरुआत की और ये काफी अच्छा है। काफी अच्छे फीचर इसके अंदर आपको मिलते हैं और काफी बढ़िया इसके अंदर अपडेटेड इंजन भी अब आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, उसके अलावा बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट में काफी सारे चेंजेस किए हैं। हालांकि जो बोनट डिजाइन है और जो बम्पर है वो पिछली मॉडल जैसा ही है, उसमें कोई कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए, बट शोरूम के लिमिटेड एडिशन के अंदर काफी सारे बदलाव किए गए इसके ग्रिल के साथ में। तो आप देख सकते हैं काफी स्टाइलिश आपको क्रोम की ग्रिल अवेलेबल होती है इसके अंदर और काफी बढ़िया देखने के लिए मिल जाती है स्टाइलिश की। उसके अलावा हेडलाइट असेंबली में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। नीचे की तरफ आपको बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर मिल जाता है VXI मॉडल के अंदर लगा हुआ, जो SSC का पार्ट अवेलेबल होता है। बाकी नीचे की तरफ अगर बात करें दोस्तों, फॉग लाइट की असेंबली आप देखेंगे, फॉग लाइट आपको मिल जाती है VXI मॉडल में, बट ये मैन्युफैक्चरिंग फिटमेंट के साथ अवेलेबल नहीं होती है, ये आफ्टर SSC में लगाई गई है मारुति जेन्युइन SSC के अंदर। उसके अलावा बात करेंगे दोस्तों नीचे एक्सटेंडर और जो आपका बम्पर गार्निश है उसके बारे में, तो काफी स्टाइलिश और काफी स्पोर्टी जिसकी वजह से कार बन जाती है। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं आपको नीचे एक्सटेंडर और ऊपर की तरफ सिल्वर कलर का जो फेंडर है वो आपको मिल जाता है बम्पर के अंदर देखने के लिए। तो इसकी वजह से गाड़ी और भी ज्यादा डिफरेंट लुक में नजर आती है और काफी बल्की भी दिखती है हालांकि इसकी वजह से। उसके अलावा दोस्तों, बोनट पे आपको दो करेक्टर लाइंस मिल जाती हैं क्रीज लाइंस देखने के लिए। उसके अलावा सबसे ज्यादा बदलाव आपको मिलेंगे इसके साइड प्रोफाइल में देखने के लिए। तो दोस्तों, पूरा डिटेल से आपको समझाते हैं क्या क्या चेंजेस इसके अंदर किए गए। हालांकि जो इसका फेंडर है उस पर इंडिकेटर आपको VXI मॉडल में पहले भी अवेलेबल होते हैं, अभी भी अवेलेबल रहेंगे, बट यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं व्हील आर्च को लेकर, यानी कि जो व्हील आर्च की क्लाइडिंग है वो आप देखेंगे दबड़ के पार्ट में अवेलेबल होती है और वो जेन्युइन SSC के अंदर अवेलेबल होती है। उसके अलावा आप देखेंगे आउटसाइड मिरर मिलते हैं आपको सेम कलर के साथ में, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, आप अंदर से बैठे बैठे इनको एडजस्ट कर सकते हैं और सेम कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में ही आपको अवेलेबल होता है। डोर हैंडल भी यहाँ पर दोस्तों आपको सेम कलर के साथ में मिलते हैं। और बात कर लेते हैं विंडो पे लगे जो आपके डोर वाइजर्स हैं उनको, उनके बारे में, तो आप देखेंगे काफी गाड़ी को प्रीमियम लुक देते हैं ये डोर वाइजर लगने के बाद, काफी डिफरेंट आपको नजर आता है। और उसके अलावा बात करेंगे नीचे की तरफ साइड बीडिंग के बारे में दोस्तों, ब्लैक कलर की साइड बीडिंग व्हाइट कलर के साथ में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है और काफी स्टाइलिश इस कार को बनाती है। नीचे की तरफ अगर बात करेंगे तो एक्सटेंडर आपको साइड प्रोफाइल में भी मिलेंगे दोस्तों देखने के लिए, सिल्वर कलर की एक्सटेंडर आपको अवेलेबल होंगे। दोस्तों, आप इन सभी SSCs का अगर प्राइस पता करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो आप वहां से प्राइस भी पता कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी कार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डोर एज के थ्रू, यानी कि आप अपनी विंडो पे दो एज गार्ड लगा सकते हैं जिसकी वजह से गाड़ी की लुक तो बढ़ती है, साथ में आपको कार को प्रोटेक्शन भी मिल जाती है पार्किंग वगैरह में, जब आप गाड़ी को खड़ा करते हैं दरवाजे खोलते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन भी आपको हो जाती है। और दोस्तों, बात करेंगे व्हील कवर के बारे में, तो व्हील कवर आपको इस मॉडल के अंदर इनबिल्ट ही अवेलेबल होता है। टायर साइज की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर अवेलेबल होते हैं, ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं यहाँ पर 14 इंची की साइज के साथ में। और पीछे वाले रियर में भी आप देखेंगे व्हील आर्च का जो डिजाइन है वो और भी ज्यादा स्पोर्टी इस कार को बना देता है। इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं रियर प्रोफाइल में, तो कॉस्मेटिक काफी सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे VXI वर्जन है, तो हालांकि काफी चीजें इसमें आपको पहले से प्रीलोडेड अवेलेबल होती है। आप देखेंगे पीछे की जो टेल लैंप्स है वो काफी स्टाइलिश आपको नजर आने वाली है, आपको ये LXI VXI में कॉमन ही मिलती है।
बट ऊपर की तरफ आपको एक रूपी देखने के लिए मिलेगा इसका स्पॉयलर, व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन के साथ में है। हालांकि कुछ लोग उसको अदर कलर कॉम्बिनेशन में भी पेंट कराता है, ब्लैक कलर के साथ व्हाइट के साथ ब्लैक काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा पीछे आपको सीएनजी का स्टीकर देखने के लिए मिलेगा, हाई स्टॉप माउंट लैंप आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगी। नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो आपको सुजुकी का लोगो मिलेगा, वैगनार की बैजिंग मिल जाएगी क्रोम के साथ में, जो कार को और भी प्रीमियम बनाती है। नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो क्रोम नंबर प्लेट गार्निश आपको मिल जाती है, जो कार की लुक को और भी थोड़ा सा प्रीमियम कर देती है। पीछे भी आपको बम्पर में ही मिल जाते हैं बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर्स, जो आपकी कार को प्रोटेक्ट करते हैं। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर बम्पर में ही इनबिल्ट अवेलेबल होता है। टू आइस का पार्किंग सेंसर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो आपकी कार को और भी ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं गाड़ी को रिवर्स करते टाइम। बात करेंगे रियर एक्सटेंडर के बारे में तो रियर एक्सटेंडर आप देख सकते हैं काफी डिफरेंट आपको नजर आता है और काफी स्पोर्टी इस कार को बना देता है। तो एक्सटेंडर आप देख सकते हैं काफी बढ़िया से फिट किए गए हैं और काफी बढ़िया डिजाइन के साथ ये अवेलेबल होता है, और ये कलर आपको सिल्वर मेटल के साथ में ही अवेलेबल होता है। उसके अलावा बूट गेट ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैग्नेट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। हालांकि एलएक्सआई वर्जन में आपको चाबी से ही ओपन करना पड़ता था, बट यहाँ पे आप मैग्नेट के थ्रू इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पीछे की तरफ पार्सल ट्रे आपको इनबिल्ट अवेलेबल होती है इस मॉडल के अंदर, और सीएनजी की जो फिटमेंट है वो देख सकते हैं एलएक्सआई की तरह ही पूरा फिट किया गया है। और पीछे भी आपको टायर साइज जो स्पेयर व्हील है वो सेम कॉमन साइज में ही मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों जो सीएनजी की फिटमेंट है वो बहुत अच्छे से की जाती है मारुति के अंदर, और आपको 5 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी भी यहाँ पर अवेलेबल की जाती है। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से इस सिलेंडर को फिट किया गया है। उसके अलावा सीट आप जो दोस्तों है जो रियर सीट्स है वो आप 60-40 फोल्डेबल के हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं। बाकी आपको एलएक्सआई में वो पूरा का पूरा फोल्ड का ऑप्शन ही अवेलेबल होता है। आप वीएक्सआई देखते हैं तो वीएक्सआई में आपको ये पीछे की तरफ 60-40 के ऑप्शन के साथ अवेलेबल होती है। तो दोस्तों ये तो था बूट का इस बारे में, बाकी आपको दिखाते हैं साइड प्रोफाइल में रियर केबिन के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलती है एक्स्ट्रा। जो दोस्तों आपका रियर प्रोफाइल है उसकी जो विंडो केबिन है वो आपको मिल जाती है पावर विंडो के साथ में। उसके अलावा प्लास्टिक ट्रिम आउट आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, जो काफी बढ़िया आर्मरेस्ट के साथ में आता है। नीचे की तरफ बोतल होल्डर पेपर होल्डर का स्पेस मिल जाता है। हालांकि स्पीकर आपको दो ही अवेलेबल होते हैं इस मॉडल के अंदर, साथ में सिल्वर एक्सेंट के साथ मिलता है यहाँ पर आपको डोर का हैंडल देखने के लिए। उसके अलावा 60-40 फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं सीट किस तरीके से फोल्ड हो जाती है, और इसके अंदर प्रीलोडेड आपको सीट कवर नहीं मिलते हैं, ये सीट कवर एड ऑन किए गए हैं मारुति जेन्युइन एसेसरीज के अंदर, काफी प्रीमियम और काफी अच्छे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ये अवेलेबल होता है। इसके अलावा और भी सीट कवर के डिजाइन आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। बाकी हेडरूम वगैरह काफी बेहतर मिलता है आपको, काफी ज्यादा है इस कार के अंदर, इसी वजह से ये कार सबसे ज्यादा बिकती है सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा जो सीट है वो आप देख सकते हैं फैब्रिक कितनी बढ़िया क्वालिटी का आपको मिलेगा, प्रीमियम रिच क्वालिटी का ये पूरा फैब्रिक आपको मिलने वाला है इसके अंदर सीट कवर के अंदर। जो कुशनिंग है वो काफी बढ़िया है, और जो कलर फैब्रिक का जो लेदर टाइप है वो ज्यादा प्रीमियम आपको फील कराता है। तो ये है दोस्तों रियर का केबिन, हालांकि पीछे आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं मिलता है इसके अंदर, और सभी के सभी हेडरेस्ट आपको मिलते हैं इंटीग्रेटेड, जो आपको और भी आरामदायक सीट्स अवेलेबल कराते हैं। उसके अलावा दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड विंडो ओपन करके एक बार। तो दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पे ड्राइवर साइड विंडो ओपन करने के बाद सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी इसकी पावर विंडो पे। तो आपको यहाँ पर VXI मॉडल के अंदर अब मिलने वाली है चारों पावर विंडो के बटन, साथ में जो आपका आउटसाइड मिरर है उसको इलेक्ट्रॉनिकली आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। साथ में पीछे की तरफ आप यहाँ देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको सिल्वर एक्सेंट के साथ मिलेगा यहाँ पर डोर हैंडल, साथ में कुछ सेफ्टी के पैरामीटर्स इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, तो वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी चाहिए सीएनजी कार में, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नीचे तो थोड़ी सी नीचे की तरफ आएंगे तो बोतल होल्डर पेपर होल्डर स्पीकर आपको मिल जाता है यहाँ पर। साउंड क्वालिटी की अगर बात करें दोस्तों काफी बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको यहाँ मिलती है इसके अंदर। और उसके अलावा बात करेंगे अभी अंदर के इंटीरियर की, तो इंटीरियर आपको मिलता है दोस्तों डुअल टोन के कलर के कॉम्बिनेशन में ब्लैक एंड बेज कलर के साथ में। हालांकि आप देखेंगे केबिन के अंदर एक ब्लू कलर की थीम लाइट आपको दिख रही है, तो वो मारुति जेन्युइन एसेसरीज का पार्ट है, वो आप एड ऑन करा सकते हैं किसी भी कार के अंदर, और गाड़ी के अंदर का जो केबिन है वो थोड़ा सा ब्लू कलर की थीम के साथ नजर आता है और थोड़ा सा प्रीमियम नजर आता है। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों सीट कवर के बारे में, तो सीट कवर आप देख ही चुके हैं पीछे भी क्वालिटी सेम ही थी, और यहाँ पर भी आपको काफी बढ़िया क्वालिटी के साथ ये सीट कवर मिल जाते हैं, और इसके अलावा डिजाइन भी और बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा दोस्तों स्टीयरिंग आप देखेंगे यहाँ पर टिल्ट स्टीयरिंग के ऑप्शन के साथ अवेलेबल होती है वैगनार VXI CNG, साथ में उसको हमने लेदर रैप कर दिया गया है। जो स्टीयरिंग का कंफर्ट है वो काफी बेहतर अब नजर आ रहा है, काफी प्रीमियम ये लग रहा है अभी स्टीयरिंग, और लेदर रैप होने के बाद टॉप एंड मॉडल जैसी ही फील आ रही है।
उसके अलावा दोस्तों डैशबोर्ड का डिजाइन कलर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया डिजाइन कलर के साथ आता है। हालांकि ये बिल्कुल सेम पहले जैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। हालांकि यहाँ पे एक नया बटन इंट्रोड्यूस किया गया है, आप देखेंगे तो यहाँ पे CNG की लेवलिंग वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया है। फोग लाइट लगी है तो उसका बटन यहाँ पर आ गया, हेडलाइट की लेवलिंग आ गया। AC के जो वेंट्स हैं वो आपको बिल्कुल बेसिक ही मिलने वाले हैं यहाँ पर, और डैशबोर्ड क्वालिटी काफी बढ़िया और काफी प्रीमियम मिलती है। स्टीयरिंग को आप हाइट के हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको मिलता है डिजिटल एनालॉग दो ऑप्शन के साथ में, और सबसे अच्छी बात है डिजिटल होने के साथ साथ उसमें आपको पेट्रोल और CNG दोनों के फ्यूल इंडिकेशन अवेलेबल होते हैं। बाकी बहुत सारे सेफ्टी गाइडलाइंस जो पैराम साइंस है वो आपको मिलते हैं इसके डिजिटल के अंदर, यानी कि आपका जो एयरबैग वगैरह आपने नहीं लगाया, फ्यूल वगैरह, स्टीयरिंग लॉक है, तो वो सारी चीजें आपको डिजिटली इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। सिर्फ आपको जो आपका स्पीड मीटर है वही आपको यहाँ पे मिलता है एनालॉग के साथ में। उसके अलावा दोस्तों देखेंगे यहाँ पे गियर रोम मिलती है काफी बढ़िया डिजाइन के साथ में, ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ये अवेलेबल होती है आपको। और मैनुअल AC के बटन आपको यहाँ नजर आने वाले हैं। म्यूजिक स्टीरियो मिलता है स्मार्ट डॉक प्ले के साथ में, जो आपको सपोर्ट करता है USB ऑक्सिलरी FM MP3 नहीं करता है, सिर्फ USB ऑक्सिलरी FM के साथ में, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। उसके अलावा आप मारुति सुजुकी स्टूडियो के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइस के थ्रू, और अपना मोबाइल आप यहां पे हैंग भी कर सकते हैं एक मोबाइल होल्डर के थ्रू। बाकी डैशबोर्ड का डिजाइन आप देख ही सकते हैं दोस्तों, डुअल टोन कलर मिलता है आपको ब्लैक एंड बीच कलर का। को ड्राइवर सीट आप देखेंगे तो काफी बढ़िया और काफी आरामदायक आपको मिलने वाली है। केबिन का जो अंदर का लाइट है वो आपको मिलती है एक, और आपको को ड्राइवर साइड में ही मिलेगा एक वैनिटी मिरर का ऑप्शन। यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ एक टिकट होल्डर का ऑप्शन सनवाइजर पे। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी सारी एसेसरीज इसमें लगा दी गई हैं, और इस कार को और भी डिफरेंट बना दिया गया है, यानी कि जो नॉर्मल मॉडल है उसके अलावा ये कितनी बेहतर दिखती है। और उसके अलावा मैं अब आपको इंजन भी दिखाता हूँ। दोस्तों इंजन में काफी सारे टेक्निकली चेंजेस किए गए हैं, तो इंजन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, तो आप उसमें